मैं हूं श्वेता सिंह। राजस्थान के चुनावी मिजाज को परखते हुए हम पहुंचे हैं झीलों की नगरी उदयपुर, जिसे वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। यहां पर जिस तरह का इतिहास रहा है, महाराणा प्रताप का नाम अगर जुड़ता है तो इस कारण कि चित्तौड़गढ़ से होते हुए कुंभलगढ़ होते हुए मेवाड़ राजाओं की जो राजधानी थी वो उदयपुर पहुंची। आज भी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना है तो रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। आइए हमारे साथ जानते हैं उदयपुर के लोगों से वो क्या चाहते हैं अपनी सरकार से, क्या बदलाव या फिर देने वाले हैं एक और मौका। राजस्थान के रण में वोटरों का मिजाज पढ़ने चुनाव रंग रंगीलों का सफर पहुंचा है उदयपुर। झीलों के शहर उदयपुर में सियासी पारा सातवें आसमान पर है। गोगुंदा, झाड़ोल, खेरवाड़ा, उदयपुर ग्रामीण, उदयपुर, सलूम्बर, धारियावाद, आसपुर, इन 8 सीटों में से 7 बीजेपी के खाते में है और सिर्फ 1 कांग्रेस के पास। यहाँ की उदयपुर सीट पर इस बार सबकी निगाहें टिकी हैं। यहाँ कांग्रेस की पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास का मुकाबला राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया से है। 1952 से लेकर पिछले 14 विधानसभा चुनावों तक उदयपुर विधानसभा से कांग्रेस 5 बार, बीजेपी 6 बार और अन्य 3 बार विजयी रहे। चलिए उदयपुर के वोटरों से जानते हैं इस बार वो किन मुद्दों पर अपना नेता चुनने जा रहे हैं। देश में अलग अलग क्षेत्रों में आपको अलग अलग तरह की चाय दिखेगी। यहाँ पर हमें एक तंदूरी चाय दिखी है, इसीलिए हम यहाँ पर आकर रुके हैं। ये तंदूरी चाय का मतलब क्या होता है, कैसे बनती है चाय? ये मिट्टी का फ्लेवर आएगा, कुल्हड़ अंदर तंदूर के अंदर गर्म हो रहे हैं, कुल्हड़ है ये, निकाल रहा हूँ मैं कुल्हड़ को, साइफन के अंदर रखा है, अब मैं चाय डालने जा रहा हूँ। चाय का उबाल आएगा इसके अंदर, ये चाय बन रही है। गर्म होगी ना बहुत ज्यादा, कुल्हड़ 100 डिग्री से ज्यादा गर्म है। हाँ, ये चाय गर्म उबाल आ रहा है मिट्टी का फ्लेवर लेने के लिए। अच्छा, तो इस कुल्हड़ को उठा कर नहीं पीना है? नहीं, ये इस कुल्हड़ में चाय डली, चाय वो खोल गई, बाहर उसका फ्लेवर। चाय बनाते मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा, मोदी जी पैसे वाले चाय वाले हैं, मोदी जी के लिए अच्छा ही सोच रहे हैं हम तो। उदयपुर में एक शहर के तौर पर आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या एक मुद्दे क्या है शहर के, किस मुद्दे पर आप वोट? मुद्दे तो विकास के हैं मेनली। तो हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, क्योंकि अभी तो राजस्थान में हमेशा से ऐसा होता है कि एंटी इनकम्बेंसी चलता है मैक्सिमम। भाजपा सरकार में तो बदलाव तो आया है उदयपुर में, एज ए स्मार्ट सिटी हमारी उदयपुर का नाम आया है, तो इसी सरकार में आया तो ये तो हमारे लिए तो प्लस पॉइंट ही था कि उदयपुर का विकास तो हुआ है। और मोदी जी के राज में हमारे यहाँ पे तो एटलीस्ट वसुंधरा जी के राज में, वसुंधरा जी के राज में सच कोई विकास की कोई बात नहीं हुई है। अभी सड़कों की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ी हुई है, और लेकिन उस सड़क व्यवस्था के गड़बड़ाने का कारण भी सीवरेज का है, जो बहुत अच्छा मतलब मुद्दा है। सीवरेज का काम शुरू हुआ है, उसी वजह से सड़कों की जो अभी मतलब आप दूरदर्शा देख रहे हैं उसी वजह से है, और थोड़ी बहुत धूल का है, थोड़ी बहुत सड़कें खराब भी कर दी है, और बाकी जो है मतलब यूथ का थोड़ा, यूथ में प्लेसमेंट्स का और यूथ को जो बढ़ावा देना चाहिए वो थोड़ा उसमें कमी है। उसमें हम चाहते हैं कि थोड़ा बदलाव हो इस बार राजस्थान में। बदलाव हो, मौका नहीं, बदलाव। आपको लगता है नौकरी के मौके मिलेंगे? हाँ, रिजर्वेशन तो है पर नौकरी के मौके तो मिलेंगे। इस बार भी गवर्नमेंट ने एग्जाम निकाले, लेकिन राजस्थान का मुद्दा ये है कि एग्जाम दो और भूल जाओ कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट नहीं आता है, बहुत सी भर्तियां है जो कोर्ट में अटक जाती। आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं? जी। वोटर्स हैं, 18 हो चुके हैं? यस वी आर। पहला वोट? पहला वोट अभी भाजपा को। पहला वोट डालने वाले हैं पर क्यों बीजेपी? काम हुआ है अभी कांग्रेस के मुताबिक तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, पर इन कंपैरिजन भाजपा का देखने में मिल रहा है कि अब सड़कें थोड़ी बहुत तो अभी अच्छी हुई हैं, कई जगह पर कंडीशंस बेटर हुई हैं। कुछ लोग नाराजगी है सीएम फेस से, पर हम मोदी जी को भी देखते हुए कि राष्ट्र को आगे ले जा रहे हैं वो, तो इसलिए हम उन्हें देखते हुए भाजपा को ही वोट देना चाहते हैं। आपको लगता है कि सीएम से नाराजगी भी है तो पीएम का चेहरा देखकर? हाँ, पीएम का चेहरा अभी भी उनकी मोदी वेव एक लहर बनी हुई है। आप लोग किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? यूजी चल रही है हमारे आर्ट्स में। बिल्कुल। इसके बाद क्या नौकरी करना चाहते हैं? मैम सिविल सर्विस के लिए। सिविल सर्विस ट्राई करना? बहुत डेवलपमेंट हुआ है, पढ़ाई वढ़ाई अच्छी हो रही है, नया कोर्स भी चालू हुआ है बीए बीएड का,
इस हिसाब से मतलब हाँ भाजपा ने कुछ विकास तो किया है कांग्रेस की सरकार में, तो हाँ बस ठीक है। बाकी इस बार तो मेड इन इंडिया वगैरह और सेंट्रल के वजह से मोदी जी अच्छा काम कर रहे थे। लोगों सबको विश्वास है कि नौकरी मिल जाएगी, आप लोग निकलेंगे यहाँ से तो मेहनत कर पर डिपेंड करेगा, पर ये है कि हमारे लिए उन्होंने अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड कर दी हैं, वैकेंसीज आई हैं तो हाँ वैकेंसी हाँ वो हम देखते रहते हैं कि जो चुनाव आते हैं तब ज्यादा वैकेंसीज आती है, और जो आप जब इलेक्शन से जीत के आती गवर्नमेंट उसके एक दो साल सोचती है हम अब निकालेंगे कौन सी निकालेंगे, फिर सोचते अभी अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, जब तक चुनाव आ रहे हैं तब तक फायदा है। अभी हम सोचे वही तो मैं अभी 3-4 साल तो हमें वेट करना पड़ेगा कि कोई नई गवर्नमेंट आएगी अगले 5 साल बाद, ऐसा हो सकता है। आप लोग यहीं रहते हैं? क्या करते हैं आप? मैं बैंकर हूँ मैम। बैंकर, कैसी स्थिति है उदयपुर की? स्थिति बेहतर है, थोड़ा सा यहाँ का विकास थोड़ा कम हुआ है जो हमारे। किस मामले में? इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं बात करता हूँ तो रोड्स के नेटवर्क जो उदयपुर में होने चाहिए थे क्योंकि टूरिज्म का बहुत बड़ा हब है, अभी तक भी वैसा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लग रहा है 5 साल में स्लो डाउन किया है पहले ज्यादा? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, पिछले 15-20 साल का जो ट्रेंड था वो एक जैसा लग रहा है हमको। बदलाव हो तो अच्छा ही है, या विपक्ष इतना मजबूत हो मोदी जी उनकी भी तो सुने कम से कम, एक ही चीज की सुनना वो किसी भी चीज पे राजनीति करना भाई वो चीज। आप बदलाव नहीं चाहते, आप मजबूत विपक्ष वाला बदलाव मजबूत हाँ चाहे मोदी जी विपक्ष में हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग यहाँ लोकल है या टूरिस्ट है? लेक पे घूमने आए? हाँ, किटी पार्टी। अच्छा, किटी पार्टी है यहाँ पे। उदयपुर फीमेल्स के लिए कैसा शहर है? यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, सारी जो वर्किंग वुमन है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। वोट डालेंगी विधानसभा चुनाव में, जब वोट डालेंगी तो आप क्या सोच कर डालेंगी, किस चीज के लिए आपका वोट किस मुद्दे के लिए होगा? जो उदयपुर में अभी डेवलपमेंट हुआ है उसके लिए। हुआ है आपके साथ से? हाँ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। आप भी मानती है इस बात को? बिल्कुल, मेरा वोट तो मोदी जी को ही रहेगा। पर लड़ तो वसुंधरा जी रही है। नहीं, लेकिन मेरा वोट वसुंधरा जी को नहीं रहेगा, बट लेकिन मोदी जी के लिए मुझे तो बीजेपी को ही वोट देना है 100%। वैसे कुल्हड़ में चाय मिलती है या कुल्हड़ में कॉफी मिलती है, ऐसा क्यों है? मैम ये ट्रेंड स्टार्ट कर दिया एक एक्चुअली कि देखा चाय दी जा सकती है तो इसके अंदर कॉफी दी गई, फिर मतलब वो हम लोग यहाँ। अच्छा ये है, लही 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 यहाँ पे तो है एकदम कॉफी जैसी, कॉफी ही है। yes. तो आज के नेताओं के बारे में इससे जोड़ा जा सकता है? जी बिल्कुल, अब जैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग हम मोदी जी से बड़ा इंस्पायर हुए कि जैसे बीइंग अ चाय वाला कि कैसे कहाँ वर्कआउट जी प्राइम मिनिस्टर बन गए, एंड मेरे फादर का सबसे पहला काम ही चाय का था। अच्छा। जी तो ये कब से आपने यहाँ पर लगाया? ये मैम 2010 से यहाँ पे। अपनी मेहनत से हुआ ये? जी मेरे फादर की मेहनत से। हाँ। तो आई एम जस्ट कैरिंग इट फॉरवर्ड। जी मैम, आपको लग रहा है उदयपुर में काम काज हुआ है? जी मैम थोड़ा बहुत, ज्यादा भी नहीं बोल सकते बट कम भी नहीं बोल सकते। तो उदयपुर में हम जहाँ जहाँ भीड़ दिख रही है वहाँ वहाँ रुक रहे हैं, और इत्तेफाक से भीड़ वहीं दिख रही है जहाँ पर चाय बिक रही है, और यहाँ तो देखिए यहाँ तो चॉकलेट चाय तक बिक रही है। लेकिन एक और दुकान जो यहाँ पर पंडित जी की लेमन टी, हल्दी घाटी वाले, हल्दी घाटी के रहने वाले हैं आप लेकिन अब उदयपुर में ही वोट देते हैं। खैर वो हाँ उदयपुर में देता हूँ वोट तो मैं। इस बार क्या बढ़िया लग रहा है? ज्यादा जैसा सोचा वैसा काम तो हुआ नहीं, रफ्तार नहीं है काम की, और जैसा जिस तरीके से वादे किए थे उसे वादे पूरे नहीं हुए। आप को लग रहा है कि यहाँ बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। चाय बनाते हैं, आपको मोदी जी से भी जुड़ाव? जुड़ाव तो है लेकिन जिस तरीके से वादे किए थे पूरे नहीं हुए, इसलिए वो थोड़ा वो रिश्ता नहीं चलेगा यहाँ, नहीं चलेगा, कुछ हटके होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग लेमन टी के लिए खास? हाँ जी लेमन टी के लिए। लेकिन वो जो खटास है वो इस बार किस पार्टी के लिए होगी? मैडम बीजेपी ही आएगी राजस्थान में, क्योंकि हमको ऐसा लगता है। क्या काम किया है जिस आधार पर? मैडम क्या है कि विकास के बहुत काम हुए हैं, उदयपुर स्मार्ट सिटी में भी आई है, उदयपुर में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। क्या होता है कि कोई भी बदलाव आता है तो वो एकदम नहीं होता है, जैसे मान लो घर पे भी, घर परिवार में भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसको इम्प्लीमेंटेशन या उसको व्यापार में भी फायदा होने में समय लगता है। तो मोदी जी समय देना चाहते हैं? एक घर बनाने में जब एक आम गृहस्थी को 1-2 साल लग जाते हैं तो देश बनाने में समय लगता है, मोदी जी को समय देना चाहिए। वसुंधरा जी को समय देंगे कि मोदी जी को देंगे? निश्चित रूप से दोनों को, क्योंकि कड़ी से कड़ी मिलानी है तो हमें इनका हाथ मजबूत करना है, वो मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। ये है कि मैं ये समझता हूँ 70 साल में जो काम हुआ है
इनको भी 10 साल देके और देखना चाहिए, एक बार और इनको देखना ही चाहिए। मोदी क्या काम करते हैं? मैं यहाँ का गाइडिंग भी करता हूँ। टूरिज्म कैसा बढ़ा है, घटा है, कैसा? टूरिज्म बढ़ा है, थोड़ा बड़ा और व्यवस्थित काम यहाँ टूरिस्टों के लिए व्यवस्थित काम किया है गुलाब सिंह कटारिया जी ने। काम हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, ज्यादा। मतलब आपको बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? मौका बदलाव तो चाहिए, बदलाव चाहिए बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान की आदत है, राजस्थान की आदत है। एक साल 5 साल कांग्रेस रही है, 5 साल बीजेपी रहेगी। सड़कों में मुझे सुधार दिखता है, एजुकेशन सेक्टर में इतना नहीं दिखता है, और अच्छे बहुत से पॉइंट्स हैं। तो इसकी वजह से आप जो वोट करने जाएंगे तो आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? मैं डेवलपमेंट जो हुआ है उसके सपोर्ट में डालूंगा, और मुझे लगता है कि आगे भी 5 साल में काफी चीजें फिर से बदलेगी। आपके हिसाब से यहाँ काम हुआ है कि नहीं? बहुत काम हुआ है जी, हाँ जी बहुत काम हुआ है। चाय के लिए आए आप? जी हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो ये ऐसी ऐसा फ्लेवर किसके मुंह में रहेगा, खट्टा फ्लेवर किसके मुंह में रहेगा? जो जीतेगा हारेगा दोनों की फ्लेवर तो रहेगा, मिला जुला फ्लेवर है ये। लेकिन काम का फ्लेवर क्या था यार? बहुत अच्छा हमारे, मैंने बीजेपी का बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ। सरकार ने काम किया है? नहीं, एक्चुअली क्या आप भी देख रहे हो सड़कें वगैरह, मतलब स्मार्ट सिटी है यहाँ का, एक फाउंड मतलब एक पास हुआ है, लेकिन वो वर्क नजर नहीं आ रहा है। का अनुभव है यहाँ पर कि कोई पार्टी यहाँ काम नहीं कर रही? हाँ, बस शुरुआत जो जब उनका चुनाव माहौल ही होता है ना, उस समय लगता है कि ये काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे, मतलब दौरे पे भी आ जाते हैं, उसके बाद साल भर की नजर ही नहीं आते हैं। तो कैसा लग रहा है, जो 5 साल में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम तो हुआ है, घोड़े बन रही है। आप लोग यहाँ इस गांव में रहते हैं तो किस तरह की आप लोगों को यहाँ पर समस्याएं हैं? उदयपुर शहर के नजदीक सबसे कोई गांव है तो ये हमारा हवाला गांव है। शहर से मैं 4 किलोमीटर दूर है, या ना नाली है ना रोड, आप देखो शहर से जोड़ने वाली बिल्कुल टूटी हुई है। विकास के नाम पे तो यह बिल्कुल फजीहत है, कोई विकास नहीं है। मतलब पार्टी वोट मांगने आ जाती है तब कहती हम करवा देंगे, और 5 साल पूरे होने के बाद मतलब बीजेपी दोनों पार्टियां के नेता आ जाते हैं इलेक्शन के टाइम में, बाकी वापस चले जाते हैं। ये आपके सामने गटर का पानी है, ये हमारा मंदिर चार पूजा जी का सारा गटर का पानी यही आ रहा है। पंचायत वालों को करना चाहिए किसको, आप लोगों क्या समझ में जी? हमारे तो पंचायत थ्रू, हम तो वोट इनके तो पंचायत के थ्रू देते हैं, जिसमें रोड की बहुत समस्या हो रही है। यहाँ के आए दिन जानवर गिरते हैं, जैसे ये सीमेंट जो बना है ना, हाँ जैसे सीमेंट वाला रोड बना है, इन्होंने बीच में नालियाँ दी नहीं, जिससे बेल गिर जाते हैं, ट्रैक्टर आता खाद का तो चढ़ता नहीं है, जिसमें आए दिन जैसे कोई मेहमान आता है तो वो क्या उनको पता नहीं, वो ब्रेक लगाते हैं तो डायरेक्ट फिसल कर नीचे गिर जाते हैं। ये समस्या मुद्दे होते हैं स्थानीय ही, चर्चा कहाँ तक पहुँच जाती है, जाति गोत्र तक। देखिए आज ये काम करवाएंगे कल नहीं करवाएंगे, और यूटी वाले बोलते हैं वो पंचायत करवाएगा, यूटी वाले ऐसे खिंचेतानी करते रहते बस सब। ये बताइए आप करते क्या है? हम तो नहीं, यहाँ जॉब भी करते हैं, पढ़ाई किया हुआ है, जॉब कर रहे हैं। जॉब मिल गई थी आपको? नहीं मिला है पढ़ाई से कोई नहीं, मैंने एमकॉम फाइनल कर रखा है तो मुझे कोई जॉब नहीं मिला। मैंने बहुत एक प्रयास किया, कोई फॉर्म ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं भरा है, मैंने सब में प्रयास किया लेकिन कोई जॉब नहीं मिला है। सरकारी नहीं मिली मतलब? तो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं? प्राइवेट कर रहे हैं, नहीं मिला जॉब। सरकार से गुस्सा है, दोनों पार्टी से गुस्सा है, तो वोट किसको देंगे फिर? वोट तो देखिए मतलब देना ही है, मतलब हमारा काम करेंगे, लेकिन जो रोड पे और ये हमारा जो मेन रोड का समस्या है, 2 किलोमीटर तक हम कुछ भी लेके जाते हैं। 70 सालों से मतलब वही हो रहा है ना, होगा तो एक पास और देख लेते हैं कि मतलब किसी न किसी को वोट देंगे, एक बार हो जाए वही ट्राई कर रहे हैं कि हो जाए। जो बाकी जीत कर आते हैं, जो लोकल वाले जीत कर आते हैं, जैसे पंचायत वाले, उन लोग तो आते होंगे ना देखने के लिए? पर उनका भी यही है कि घेर के रखा, पर कोई मतलब नहीं है उनका भी। घेराव किया उस उनका, हमने सचिव का घेराव किया, सरपंच का घेराव किया, तो वो बोलते हैं सब कुछ भी नहीं है, हम करेंगे करेंगे, और नालियों के बोल रहे 5 लाख रुपए पास हुए तो वो गए का। दोनों पार्टी से कोई भी आओ, लेकिन गांव में सुविधा और एक आने जाने का बिल्कुल कोई साधन नहीं है। यहाँ से हम राड़ा जी महाकालेश्वर जाएंगे चौराहे पे, तो भी 150 रुपए 200 रुपए वाला ऑटो ले लेता है। और एक तो आप लोग का कहना है कि ऐसा नहीं है कि अभी के सरकार से अगर नाराज हैं तो ऐसा नहीं कि दूसरी पार्टी को वोट दे रहे हैं। वोट हमको इस साल हम गांव से वोट किसी को देना ही नहीं है, इसलिए जब तक हमारी सड़कें सही नहीं होगी, जब तक नालियां सही नहीं होगी, और एक हमारी ये हमारे घर से बाहर रोडियां नहीं हटेगी, जब तक हम वोट किसी को ही नहीं देंगे। आप लोग पार्टी से नाराज हैं, सरकार से नाराज? मतलब सरकार से नहीं, सरकार से हम नाराज नहीं है, क्योंकि वो तो सुविधा देती है, बीच में खाने वाले बहुत हैं।
इस बार इलेक्शन के लिए नेता लोग आ रहे हैं बोलने के? नेता लोग तो आ रहा था पर मेरे कोई काम नहीं हुआ, नी नाली है गांव में, नी माने रोड है उदयपुर जावा तो नी कोई सुविधा नहीं माने गांव की। वोट देने जाएंगे? हाँ वोट देने, अभी गुस्सा आ रहा है, नहीं दू किसको वोट, खराब करूंगा। सबसे नाराज है? गुस्सा आ रहा है मेरे को तो। यहाँ कहाँ बाहर जाना होता है शौच? एक भी बार बाथरूम का पैसा नहीं आया, छह छह बार फार्म भर चुके हम, दो छह बार बड़ी जाके पैसे भी खर्च किए मैंने और एक भी बार बाथरूम का पैसा अभी तक नहीं आया हमारा। और हमारे देखो नहीं तो गांव में नाले हैं, नहीं कुछ नहीं है, देखो लोग नीचे भी गिरते हैं, देख लो आप इस तरह पानी रोड के बीच में जाता है, मतलब कोई शौच के लिए कहां जाते हैं लोग फिर? सोच मतलब बाथरूम के पैसे नहीं दिए हमारे को, बाथरूम हमने खुद लगाया, मतलब बनवाया हमने। गुस्सा जो है वो राज्य सरकार से है केंद्र सरकार से? नहीं अब तो राज्य सरकार से होगा, अभी केंद्र सरकार क्या करती है, राज्य सरकार तो राज्य में संभालना चाहिए ना हमारे को। चुनाव रंग रंगीलों में आज के लिए इतना ही। 7 तारीख को मतदान है, उम्मीद है हर शहर के लोग निकलेंगे वोट डालकर आएंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।